वाहिगुरु जी आ साग धोन लगे हाँ तो इधर कपड़े सारे सुक गए उतारते हैं हूँ जोड़े सवेरे धोते से सवेर का सारा काम नबेड़ के हूँ साग सवा रहे फिर साग धो के इन्हें नुचड़ूगा थोड़ा जहा फिर इनू कटा कट के रखा हूँ असं अद्धा क घंटा थोड़ी रैसट करा सवेरे 4 बजे उठे हुए हैं अस के चलो साग भी सवार के धो के रख दिए उठते हैं इन्हें नुचड़ जाने फिर जे गिला गिला आप कटते हैं बहुत पानी निकलता बिचों वैसे हूँ साफ हो गया साग पहला मच्छर का खादा जाता से बस खेतों च भी हूँ होने वाला ही है थोड़े दिन हो जाने ये मुल लिया वाहिगुरु जी धुप्प च नहीं रखा मुरझा जाने इन्हें धुप्प च रखा तो इन्हें छां च हाँ चुन्नी नाल लो जी हूँ असी फिर लहसुन प्याज ये सारा भी छिल के बिच पाने वास्ते तैयारी करनी पैंदी है। वाहिगुरु जी यह चुल्हे नू पोचा ला रहे हैं फिर यह टुटदा नहीं हैगा पोचा लाने नाल वैसे तो लोहे का ही है चलो लोहा भी फिर अग तो हरेक चीज़ नू साड़दी है वाहिगुरु जी इधर मम्मी साग कट रहे ने ते लसन प्याज अदरक ये सारा कुछ छिल लिया कट लिया हरी मिर्च इनू ग्रैंड करके पावांगे सारे मसाले ने एहे इहदे विच मिर्च भी है ते अदरक भी है लसन प्याज भी है इनू ग्रैंड करके पावांगे साग च ते ओदा प्याज दा ते टमाटर दा तड़का लावांगे लो जी चुल्हे की राख पिछे सब्जियां च पा देंगे हाँ ते हुण नाले लियाइए पाथियां लकड़ियां सब्जियां च नहीं पाना सी इनू राख नू अच्छा चल हाँ इन लकड़ी तो लगे जांदियां ने वाहिगुरु जी असी अग बालिए चुल्हे च गोहे ते लकड़ियां ला के ऐन चंगी तरह बल गई हुण मिट्टी के भांडे च अज साग बनावांगे वो रखते हैं पानी पा के चुल्हे उपर गर्म होने वास्ते वाहिगुरु जी
ये मिट्टी का भांडा तपला तौड़ी जो भी तुसी कहने हो इन हुण अग ते रखांगे ते इहदे विच साग बनावांगे अज वाहिगुरु जी घोषणा साडा एडा ही है किते दीदी दब के बनावा सी मिट्टी का भांडा ही फुट जाए वाहिगुरु जी सब तो पहला नमक पा के साग पा के इनू काफ़ी टाइम रिझावे एक डेढ़ घंटा फिर ये जोड़े वो मसाला दिखाया सी थोनू लसन प्याज अदरक हरी मिर्च ग्राइंड करके वह पावे अदरीजे च यह साग ढाई घंटे च बनता है मतलब कि उ ढाई तीन घंटे तैयार होंगे बिल्कुल बन के कुकर च तो यह पौने एक घंटे च बन जाता है पर जो मिट्टी के पतीले साग बनावे बहुत टेस्टी होंगे हेठा हो ही जाऊगा होर पाई जावांगे चलो जी एवें जिमें रिझी जाऊगा हेठा हो ही जाऊगा सारा साग हौली हौली पैंदा इहदे च इक लखत नहीं पैंदा जिमें कुकर च आपां इक लखत पा दिंदे आ वाहिगुरू जी यह बहुत टाइम हो गया साग रखे नूं ते वैसे तो साग तीन घंटे च बन के तैयार हो जाता ढाई तीन घंटे च पर इहनूं साढ़े तीन घंटे हो गए ये मिट्टी दे भांडे करके फिर इहनूं बहुत ज़्यादा जोर जोर दी नहीं घोटिया हैगा साग नूं हौली हौली घोटदे रहे ते हुण ये देखो धुआं धुआं हो गया ये देखो वाहिगुरू जी ये बिल्कुल बन के तैयार है ते कुकर च सब तो छेती बन जाता साग पतीले च उस तो बाद पर मिट्टी के भांडे च होर भी ज़्यादा लेट जिन्ना टाइम लगता फिर चीज़ में उन्नी स्वाद बनती है हुण आपां इहदे विच आलण पाउण लगे हाँ आलण अज असी सुक्का नहीं पावांगे क्योंकि सुके आलण दे विच दब दब के घोटना फेरना पैंदा है ये मिट्टी का भांडा है ये हल्का हल्का ही घोटना फेरे फेरिया जाता तो असी यह आलण उहदे वाला पाउण लगे हाँ घोलिया होया पूरा पूरा ही साग बनया हुण अग दे कोले बहुत होए हुए ने ते असी इत्थी रोटी बना लांगे नाल हुंदे सारे छक लैणगे वैसे नेरा हो गया 7 बजे ते आलण पाने तो बाद भी इनू 5 मिनट होर भी आलण रिझ जाए 5-7 मिनट रिझावांगे ठीक है जी चलो वाहिगुरू जी रोटी हुण असी मक्की दी बनावांगे चुल्हे ते फिर अपनी वीडियो भी बहुत लंबी हो जू असी भी लेट हो गए ते हुण कैमरा ऑफ करके फतेह दी साच करिए फिर अगली वीडियो च मिलांगे इत्थे बैठ के हाँ उपर तक भर गई हाँ पूरा पूरा हो गया दब दब के साग थोड़ी बड़ी लियो मम्मी होर हाँ छोटा साइज है हाँ नाले तो चलो मुल्ल दा पत्ते जिहदा साग सीगा
ते फिर जो घर का हो जाऊगा फिर गंदला हो जाएगी फिर खुला बन जाता है। चलो ठीक है वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।